ये है चाहते के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष है वो वेंकी के सच का पता लगाने के लिए हर एक पॉसिबल कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर संगीत सेरेमनी दिखाई जाएगी जहाँ पर मिश्का परम के साथ डांस परफॉर्म कर रही होगी। तभी वो जैसे ही एक ट्रिल लेगी उसकी हील टूट जाएगी और मिश्का का पैर मुड़ जाएगा और वो परम के सहारे से ज़मीन पर बैठ जाएगी, जिसे देख कर प्रिशा कहेगी कि मिश्का ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक थी जब मैंने फाइनलाइज की थी, तो ये टूटी कैसे? रुद्राक्ष मिश्का की सैंडल को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सैंडल किसी ने जानबूझकर तोड़ी है और फिर इसे जोड़ दिया है, लेकिन आखिर ऐसी हरकत कर कौन सकता है। तभी रुद्राक्ष यहाँ पर सारांश के फ़ोन में देख रहा होगा कि उसने पूरी शादी की क्या क्या रिकॉर्डिंग की है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखेगा जिसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे, जिसे देखकर वो सीधा पहुंच जाएगा मिश्का के पास और कहेगा कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिश्का कहेगी, किस बारे में रुद्र? भी रुद्र कहेगा वेंकी के बारे में, जिसे सुनकर मिश्का के होश उड़ जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि आधी रात का वक्त होगा, मिश्का अपने बेडरूम में सो रही होगी, तभी आधी रात उसके कमरे में कोई आएगा और उसका मुंह दबा करके उसे चुप करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर मिश्का के कमरे में जो आधी रात शख्स आया है वो आखिर परम है, वेंकी है या फिर कोई और। ये देखना होगा आगे आने वाली कहानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।